बिहार में योगी पुलिस द्वारा किए गए कार्य की चौतरफा सराहना की जा रही है। लॉकडाउन के चलते घरों में कैद आम लोगों से अपनापन का रिश्ता कायम करने में लगी है। इसकी तस्वीर आज थाना सिविल लाइन क्षेत्र की जिगर कॉलोनी से सामने आई है। यहाँ पर रहने वाले गौतम परिवार के इकलौते बेटे के पहले जन्मदिन का केक लेकर थाना सिविल लाइन इंस्पेक्टर नवल मारवा अपनी टीम के साथ पहुँच गए। घर के दरवाजे पर पुलिस को देख गौतम परिवार एक बार तो ठिठक गया, लेकिन पुलिस की व्यवहार और हाथों में केक देख उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। हालांकि बर्थडे बॉय एक साल के वेदांत गौतम तो निंद्रा में अपने पापा के कंधे पर ही ऊंग रहे थे, लेकिन पुलिस की इस पहल को उनकी मां की आंखें डबडबा गईं। सिविल लाइन पुलिस ने नन्हे से बच्चे को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए केक गौतम परिवार को सौंप दिया। बच्चे के पापा मयंक गौतम ने योगी पुलिस के इस कदम की सराहना करते हुए इन्हें महान योद्धा बताया और कहा कि कोरोना काल में पुलिस ने अग्रिम पंक्ति में आकर इंसानियत की मिसाल पेश की है। वही नन्हे वेदांत की मम्मी ने भी इन योद्धाओं का दिल से शुक्रिया अदा किया है। पुलिस क्यों आई थी और कैसा महसूस कर रहे थे आप? मेरे बेटे का फर्स्ट बर्थडे है आज और वो केक लेके और कैप लेके उसके लिए आए हैं। एंड आई एम फीलिंग वेरी गुड, क्योंकि इस समय लॉकडाउन में कोई भी बेकरी या कोई सर्विसेज अभी अवेलेबल नहीं है, बट बहुत अच्छा लग रहा है कि हम एट लास्ट अपने बेटे का सेलिब्रेट कर पाएंगे बर्थडे। कुछ और कहेंगे पुलिस के लिए, यूपी पुलिस के लिए? या बहुत अच्छा कर रहे हैं और जो कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं, हम लोगों के भले के लिए ही कर रहे हैं। और हम अगर हम लोग इनका साथ नहीं देंगे तो बेसिकली इंडिया नहीं जीत पाएगा। इंडिया को कोरोना से आगे बढ़ने के लिए ऑब्वियसली हम सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो जो कर रहे हैं हमारे भले के लिए कर रहे हैं और हमें उनका पूरा समर्थन करना चाहिए।